thanks <laughs> for हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल यमी वाइब्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय रिव्यू अबाउट ब्लॉसम कोच अरोमा मैजिक मैजिकल लिक्विड सो मैं इसे मैजिकल लिक्विड क्यों कह रही हूँ ये आपको वीडियो का एंड में पता चलेगा तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना रिव्यू विद दिस प्रोडक्ट सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइज सो हेयर इट इज़ गाइज अरोमा थेरेपी स्किन केयर असेंशियल्स ब्लॉसम कोच अरोमा मैजिक ब्राइटनिंग लोशन एंड गाइज मैंने इसे मैजिकल लिक्विड क्यों कहा है ये तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी बट इट्स अ ब्राइटनिंग लोशन दैट ब्राइटन्स कॉम्प्लेक्शन एंड डिटॉक्सीफाई ये आपकी स्किन को एक ब्राइट एंड कॉम्प्लेक्शन देता है और डिटोक्सीफाई करता है आपकी डलनेस को दूर करता है आपकी स्किन में जो भी डर्ट होती है उसे साफ़ करता है और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है हंड्रेड एम की एंड इट्स एम इज़ वन एंड अगर आप ऑनलाइन बाय करोगे तो मे बी आपको डिस्काउंट मिल सकता है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है हैं इसके अंदर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ आंवला एंड विच हेजल डिटॉक्सिफाई ट्रीट सनबर्न एंड ब्राइटन योर कॉम्पलेक्शन वाइल बैलेंसिंग द पी लेवल एंड अन स्किन टोन सो so सोगाई जो त्रिफला आमलाइन विच हेजल है वो आपकी स्किन से गंदगी को निकालता है क्लियर करता है साफ़ करता है आपकी स्किन को सनबर्न को ट्रीट करता है टैनिंग को ट्रीट करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को एक क्लियर कॉम्प्लेक्शन देता है और आपकी जो स्किन का पीएच लेवल है उसे भी मेंटेन करके रखता है एंड जो आपकी अन स्किन टोन है उसे ठीक करता है ऑयल्स ऑफ नटमैग क्लोव एंड गार्लिक आर इफेक्टिव एंटीसेप्टिक एजेंट्स दैट प्रिवेंट एंड ट्रीट स्किन इन्फेक्शन सो गाय जो नटमैग ऑयल है क्लोव एंड गार्लिक है ये आपकी स्किन में एंटीसेप्टिक का काम करते हैं लाइक like आपकी स्किन को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं जो भी इन्फेक्शन होगा आपकी स्किन में उसे ट्रीट करते हैं वाइटमिन सी एंड नेचुरल ए एच आर वेल्युएबल कम्पोनेंट्स दैट जेंटली एक्सफोलिएट द डेड एंड डल स्किन सेल्स टू मेक योर स्किन ब्राइट एंड रेडियंट सो गाइज इसमें वाइटमिन सी एंड नैचुरल एच ए है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं बहुत अच्छे से और आपकी जो डेड स्किन सेल्स है डल स्किन सेल्स है उन्हें रिमूव करता है उन्हें क्लियर करता है ताकि आपकी स्किन ब्राइट हो सके एंड रेडियंट बन सके आई एम नॉट मेड ऑफ़ हार्मफुल केमिकल्स पैराबन अल्कोहल आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस एंड कलर हाँ गाइज़ और इसके अंदर कोई भी हार्मुल केमिकल्स नहीं है ये किसी भी हार्मुल केमिकल से नहीं बनाए पैराबन नहीं है इसमें अल्कोहल फ्री है आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस भी नहीं है एंड कलर भी नहीं है सो so गाइज़ अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स आर रियली अमेजिंग इसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत अच्छे हैं आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है जितने भी डर्ट एंड ऑयल एक्सेसिव ऑयल जो स्किन में होता है उसे रिमूव करता है क्लियर करता है एंड आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है अगर आपको जिद्दी डार्क स्पॉट्स है उसे भी ये विद इन अ वीक रिड्यूस करता है एंड गाइस ये आपकी स्किन में जो टैनिंग हो गया उसे भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है आप आपको सिर्फ एक दिन में ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जब आप इसे यूज करेंगे गाइस दिस प्रोडक्ट इज रियली बेनिफिशियल लाइक आप अगर अपने डी ट्राई करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मतलब आप अपनी हर रेमेडीज में इसका यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग योर डार्क स्पॉट्स फॉर ट्रीटिंग योर सन टैन दिस इज़ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट दैट आई एम एवर यूजिंग Uh, इतना अच्छा लोशन uh, है ये और मैंने इसे मैजिकल लिक्विड इसीलिए कहा बिकॉज इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लोशन वाली नहीं है अगर आप ये सोच कर ले रहे हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक सॉरी लोशन की है इसकी लोशन की कंसिस्टेंसी नहीं है ये बिल्कुल वाटर की तरह है लाइक uh, जिस तरह से रोज़ वाटर होता है सेम वैसा है बस uh, इसमें कोई फ्रेगरेंस नहीं है लाइक जिस तरह से अरोमा मैजिक के हर प्रोडक्ट में हल्का सा नेचुरल सा फ्रेगरेंस होता है सिर्फ वैसा है इसमें नेचुरल फ्रेगरेंस एंड इट्स टोटली अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज एंड आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं और दिस वन इज़ बेस्ट फॉर ऑयली स्किन अगर आपकी ऑयली स्किन है उनके लिए सबसे अच्छा लोशन है ये ब्राइटनिंग लोशन अरोमा मैजिक से तो दिस इज द परफेक्ट फॉर ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है गाइज दिस प्रोडक्ट इज़ रियली बेनिफिशियल लाइक आप अगर अपने डी आई वाइज ट्राई करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मतलब आप अपनी हर रेमेडीज में इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग योर डार्क स्पॉट्स फॉर ट्रीटिंग योर सन टैन दिस इज द बेस्ट लोशन एंड मस्ट कि जस्ट ट्राई इट वंस एंड यू सी द मैजिक ऑफ दिस मैजिकल लोशन और अ मैजिकल लिक्विड तो गाइज अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से स्किन टाइप को किस तरह से यूज करना है इस लोशन को अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन टाइप है तो आपको क्या करना है आप एज अ टोनर भी इसे यूज़ कर सकते हैं बट ऑल्टरनेटिव डेज पर ठीक है रोज़ यूज़ नहीं करना है ऑल्टरनेटिव डेज पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड चाहे तो फेस पैक में भी यूज़ कर सकते हैं बट विद रॉ मिल्क कच्चे दूध के साथ आपको इसे यूज़ करना है अपने फ़ेस पैक में और अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो आपको इसे एज अ टोनर यूज़ नहीं करना है आपको इसे वॉम मिल्क के साथ मतलब उबले हुए दूध के साथ आपको इसे पैक में यूज़ करना है और दूध गर्म ले लेना ठंडा लेना है ओके okay? और इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस अ वीक ठीक एंड गाइज आपकी कोई भी स्किन टाइप हो अगर आप इसे पैक में यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करना है मतलब हफ्ते में दो बार ही यूज़ करना है आई होप यू गाइज़ फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव सो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब मायर चैनल i hope you like this video that's all about this product guys thanks for watching my video and tomilling up the next video mate take care bye bye and enjoy your life guys bye